को फांसी पे लटका दिया गया है। ये आज 7 साल का संघर्ष था। ये पहली बार है जो 4 मुजरिमों को फांसी पर लटकाया गया है। ये पहली बार है कि एक देश में बच्ची के साथ रेप बलात्कार हुआ था, आज पहली बार उसको इंसाफ मिला। आज का दिन 20 मार्च है। आज का दिन हमारी बच्चियों के नाम, हमारी महिलाओं के नाम, क्योंकि आज का दिन निर्भया को इंसाफ मिला, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। खासकर अब देर से ही सही इंसाफ मिला, मैं अपने जुधिष्ठिरी को, अपने न्याय व्यवस्था को, अपने राष्ट्रपति महामहिम को, अपने सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से निर्भया के केस में डिले टैक्टिक्स अपनाई गई, एक एक करके पटीशन डाली गई, लेकिन जिस तरह से पटीशन डाली गई उसी तरह से हमारी अदालतों ने सक्रिय होकर एक एक पटीशन को खारिज किया। फाइनली आज हम उस मुकाम पे पहुंचे, उनको फांसी दी गई, निर्भया को इंसाफ मिला। जिस तरह से 2012 में घटना हुई थी निर्भया के साथ, लोग शर्मसार हुए थे, हमारा देश शर्मसार हुआ था, लेकिन फाइनली देर से ही सही, लेकिन आज हमारी जुधिष्ठिरी ने इन चारों को फांसी देकर साबित किया कि नहीं, अगर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अगर ऐसा घिनौना अपराध होगा तो बच्चियों को इंसाफ मिलेगा और मुजरिमों को सजा मिलेगी।